आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी तो सब बनाते हैं ग्रेवी वाली, पर इस तरह से ग्रेवी वाली हरी मिर्ची की सब्ज़ी कभी खाइए नहीं खाई होगी। इसमें ग्रेवी के अलावा दो खास इंग्रेडिएंट डालें जिससे कि इसके टेस्ट और जायके को बढ़ाएगा, और इसमें हरी मिर्ची जो है वो कम तीखी वाली, तो ये इसके टेस्ट को बहुत लाजवाब बना रही है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। एक्चुअली क्या हुआ कि मंडी जाना था सब्ज़ी लेने, पर राजस्थान की गर्मी तो आपको पता ही कितनी पड़ती है, तो किसी का मन नहीं हुआ मंडी जाने का, और ये जो बची हुई हरी मिर्ची है उसी की मैंने सब्ज़ी बना डाली। शाम को तो खैर सब्जियां लेके आए, पर सुबह सुबह मुझे कुछ बनाना था, तो मैंने जो बची हुई हरी मिर्ची थी उसकी जो सब्ज़ी बनाई ना, सबने बहुत तारीफ़ करी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आपने भी इसे एक बार बना ली ना, तो आप इसे बार बार बनाओगे, यकीन मानिए। हरी मिर्ची को मैंने एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया है, और उसको तेल में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, मतलब पकाना इसी में है, तो इससे मतलब फटाफट बनके भी तैयार हो जाएगी। इधर तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, हींग, जीरा और सौंफ का तड़का लगाया है। जब सौंफ जीरा अच्छे से तड़क जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेवी में दो प्याज और 8 से 10 लहसुन की कलियां, इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे तब तक तेल न छोड़े। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे हल्दी और नमक, इसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर की ग्रेवी। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनकी ग्रेवी बना ली है इस तरह से। इसको अच्छे से हम पकने देंगे। जब टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, तब हम डालेंगे इसमें बचे हुए मसाले, जैसे लाल मिर्च का पाउडर सिर्फ मैं 1/2 चम्मच डाली, क्योंकि हरी मिर्ची है थोड़ी बहुत तीखी तो होती है। 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर है, और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हमने लाल मिर्च थोड़ी कम ही डाली है। इस तरह से इसको पका लेंगे। अब डालेंगे बाकी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और जायका भी। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें बेसन, इसको मिला के अच्छे से हम पका लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो हरी मिर्ची है इसको थोड़े से तेल में इसको अच्छे से पका लिया है, बहुत थोड़ा ही तेल डाला था और धीमी आंच पे इसको पकाया है। मिर्ची अच्छे से पक चुकी है, मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इधर देखिए हमारा बेसन भी अच्छे से मिक्स हो गया है, मतलब पक चुका है। अब इसमें करीब मैं 1 चम्मच जो बड़ा वाला है वो डाल रही हूँ दही का, ये मैंने गाढ़ा दही डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इस सब्ज़ी में थोड़ा सा झोल भी हो जाएगा। तो जो हमने झोल किया है वो पानी का नहीं किया है, दही का किया है, जो इसके टेस्ट को ही बढ़ाएगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। दही को हमको अच्छे से मिला लेना है। जैसे कि आपने देखा कि हम पहले ही नमक डाल चुके हैं और दही हम आखिरी में डाल रहे हैं, फिर भी ये फट नहीं रहा है, क्योंकि हमने बेसन डाल दिया और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, और ये ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए करीब मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें मिर्ची, और इसको भी अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि मिर्ची हमारी पकी हुई है, सिर्फ 2 मिनट इसको सिर्फ इसमें मिलाना है मसालों में, ताकि मसालों को अब्जॉर्व कर ले। 2 मिनट तक इसे पकाने के बाद ऊपर से डाल देंगे इसमें गरम मसाला। जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हो, खटाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें दही डाल दिया है और इन दिनों गर्मी अच्छी पड़ रही, तो थोड़ा सा गर्म होने पर अगर आप सादा मतलब कम खट्टा ग्रेवी डालोगे तो वो भी खट्टा हो जाता है। भाई मेरी रसोई तो पूरी अच्छी तरह से महक चुकी है, और मैं तो इसे सर्व कर रही हूँ गर्म गर्म रोटियों के साथ। तो फ्रेंड्स, है ना इजी रेसिपी, तो ऐसी इजी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेटेस्ट को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके अपडेट आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।